हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोभी के परांठे बना रहे हैं। मैंने छोटे छोटे भी काट लिए। इसको मैं छोड़ रही हूँ, गोभी डाल मिर्च काट रही हूँ। इधर से लॉक खोल लेते हैं। नमक की मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला मेरे पास है, चाट मसाला, अजवाइन थोड़ी सी, गोभी हम थोड़ी सी और डाल देंगे, थोड़ा सा नमक है, सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। ऑन लगा देते हैं, ऑन किया। आप दूध में देख सकते कितनी अच्छी मलाई आई है, इसमें मलाई निकाल दूंगी। धीमी आंच पे उबालना है, तो उसके ऊपर ये छलनी वाला ढक्कन रख देना। ये तैयार है हमारी कटोरी। गोभी छोली हमने मिक्स के अंदर, इसके अंदर डाला है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, किंग किचन किंग मसाला, अजवाइन, हरी मिर्च। ये आटा गूंद रहे हैं और जितना इतना पानी चाहिए होता है साथ साथ डाल देते हैं, उससे पता चल जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं डालते हैं। फ्रेंड्स, मैंने तवा गर्म कर लिया, उसके ऊपर मैंने घी रख दिया, गर्म होने के लिए देसी घी रख दिया, और मैं परांठे की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास आटा, पेड़ा बना लीजिए, थोड़ा आटा लगाएंगे और इसको ऐसे बेल लेंगे। देखिए, इतना बेलने के बाद हम इसको हाथ में उठा लेंगे, पाम पे रखेंगे और इसमें गोभी स्टफ करेंगे, छुरी हुई गोभी। इसको स्टफ करने के बाद ऐसे इसको फूल सा बना लेंगे अपने हाथ से, फिंगर से दबा लेंगे और इसको ऐसे फूल बनाते जाएंगे। इसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद फिर से सूखा आटा लगाएंगे और यहाँ रखेंगे, जो फूल वाली साइड थी उस पाम से दबा लेंगे ताकि ये फटे ना। फिर से सूखा आटा लगाएंगे, उसको बनाएंगे गोभी को। वैसे इसको उठा के तवे पे डाल देंगे। इसको पलट देंगे, देसी घी ऐसे चारों तरफ लगा देंगे। इसको पलट देंगे धीरे से, पलटने के बाद इस साइड पे भी घी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, पक जाए, कच्चा ना रहे दोनों साइड से। अब इसको पलट देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हमारा परांठा तैयार है। अब दोनों साइड से रोस्ट हो चुका है।
देखिए हमारा परांठा तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये देखिए अपने मम्मा ने कितना अच्छा परांठा बनाया है। तो आप इसी तरह से परांठा बना के खा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, लेडी के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस स्टाइल से पराठा बनाना सीख जाए। थैंक यू।